आज ग्रेटर नोएडा पुलिस ने संगठित अपराध करने वाले और अपराधियों के खिलाफ बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए दो लोगों के खिलाफ बढ़िया कार्रवाई करी है, जिसमें थाना कासना पुलिस ने रणदीप भाटी के साले को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2 किलो गांजा और एक अवैध पिस्टल बरामद हुई है। और इसी नॉलेज पार्क की टीम ने भूपेन मोमनाथल को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने यमुना का बहाव रोक करके वहां अवैध खनन के लिए एक अवैध पुल का निर्माण किया था। ये दोनों ही गैंग की तरह वर्क करते हैं, तो इस प्रकार से आज ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने दोनों संगठित गैंगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करी। सर, गैंग का आपराधिक इतिहास रहा है क्या? रणपाल के साथ भी संदीप ने मिलकर किसी वारदात को अंजाम दिया था? जो ये रहने वाला फरीदाबाद का है, फरीदाबाद से इसके ऊपर कुछ मुकदमे हैं जिनके बारे में हमें पता चला है। और भूपेंद्र जो नॉलेज पार्क से गिरफ्तार हुआ है, उसके खिलाफ करीब दर्जनों मुकदमे हैं। शीघ्र ही इनके और साथियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। क्या माना जाए कि अवैध खनन वहाँ चल रहा है? जैसे डीएम कह रहे हैं कि अवैध खनन बंद है, पुलिस ने गिरफ्तारी करी, क्या खनन अब बाकी अवैध खनन चल रहा है? जिस प्रकार की गिरफ्तारी करी गई है, उससे अवैध खनन की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। जो मुकदमा लिखा गया था वो अवैध खनन का प्रयास करने के लिए पुल बनाया जा रहा था, तो अब चूंकि प्रयास करने के बीच ही में पुलिस ने ऐसी कार्रवाई कर दी, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकना। दोनों ही बदमाशों का अमित कसाना और रणदीप गैंग से ताल्लुकात है, और किस किस तरह की एक्टिविटीज में और इन्वॉल्व है, किस तरह क्राइम में इन्वॉल्व है? संदीप के बारे में और जानकारी पता की जा रही है। चूँकि इसका सीधा संबंध रणदीप भाटी से है, तो उस गैंग में किस प्रकार से इसकी क्या क्या भूमिका थी, इस बारे में और पूछताछ की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? रणदीप की इसकी संदीप की गिरफ्तारी एचओ चौकी के पास से होंडा कट से हुई। ठीक।